नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी को पता है छप्पन क्या है? इंदौर में मशहूर एक बाजार है जो व्यक्ति के मन मन में बसा हुआ यह छप्पन दुकान है। एक से लेकर 56 छप्पन तक रहता है ये दुकान। तो आप सभी को आज विजिट करवाने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए क्योंकि मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, बस दिखाऊंगा आप लोग को क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इतना भी खास नहीं बनाया वीडियो, फिर भी आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ हूँ, तो आप लोग देखते रहना और फुल वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होगा। तो मेरा ये रुमसुम चैनल में आप लोग सभी को स्वागत करते हैं। तो मुझे कंफर्म भी नहीं है आप लोग को कहाँ लेके जाऊँ आज, तो कोई नहीं, आज फिर पहला लंच करेंगे। लंच करने के बाद उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना होता है, कहीं नहीं जाना होता है। ठीक है, तो रेडी भी हो चुका हूँ मैं, तैयार हूँ जाने के लिए। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में, मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो लाइक करना, अगर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना। साइकिल तो उस दिन मैंने चेक किया था, पंप भी डाला था, लेकिन अब पता चला कि साइकिल लीक हो चुका है, तो साइकिल को रहने देते हैं। वैसे हमको बहुत अलग अलग जगह में विजिट करना है, तो इसलिए साइकिल को नहीं ले जाना वही बेहतर होगा। ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं रैपिडो में कितना लेता है हमारे वाव के स्टक। रैपिडो तो मैंने खोल लिया है। वेयर आर गोइंग नाउ? मैं सर्च कर रहा हूँ वाव क्रिस्ट। वाव क्रिस्ट आ गया, तो बाइक से 21 रुपीज़ बता रहे हैं। कैब इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमी से बता रहे 73, इतना हमको नहीं पे करने। गाइस धूप का अंदाज़ा लगा सकते हो क्या, इतना धूप है। ओ देख, देखा इतना धूप है, खतरनाक धूप होता है। गाइस फाइनली आ गया रिव्यू भाई। नहीं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फाइनली चला, अभी लंच करके वहाँ से निकल रहे पूरे। एक चीज का है, एक बात है, मतलब खाना खाने के बाद ना घूमने का मन होता है ना कुछ करने का मन, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। आज तो हैशटैग लगा दूंगा वाव क्रिस्ट का, जब भी सर्च करेगा मेरा वीडियो भी आ जाएगा। और मुझे विजयनगर चौड़ाई है, तो विजयनगर चौड़ाई के सामने मुझे आई बस का टिकट कटना पड़ेगा। मतलब पहुंचने के लिए पहले ऐसा ट्रैफिक को आप क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, देखो ना अब ऐसे उड़ा देगा क्या? दोस्तों यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, ये ना आप टिकट जैसे करेगा वहाँ पे QR कोड होता है, वो स्कैन करना पड़ता है, दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुलता है। और ये मेरा टिकट विजयनगर से पलसिया का सिर्फ 10 रुपये, इतना लंबा रास्ता है 5 किलोमीटर से ज़्यादा। ये वाला सिस्टम ना अगर असम में भी होता ना मज़ा आ जाता यार, क्या बताऊँ। अभी जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक वाला बस है, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा बिल्कुल। जो आ रहे हैं ट्राफिक, लेकिन बहुत ही आ रहा है ट्राफिक है। देख अभी आ रहा है वो ट्राफिक, बात में पहले तो देखो सिस्टम बहुत अच्छा है, गाड़ी रुकेगा दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुलेगा, आप अंदर जाओ, मैं तो अंदर जा रहा हूँ भाई। अंदर ठंडा है एकदम, एसी भी चला या करता है इन लोग भाई, अभी ठंडे का मौसम हल्का फुल्का ऐसे चला ही होता है, फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा लगा मुझे। तो देख सकते हो भाई मज़ेदार है, मतलब क्या बोले, मेट्रो बोल सकते हैं मेट्रो। ठीक है, मैं तो बैठ लिया भाई, मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ, आपको क्या कर रहे बताओ कमेंट में बताओ। ठीक है, मेट्रो अच्छा एलॉन भाई साहब। एक चीज़ का तो पक्का है यहाँ पर कि ट्रैफिक का तो माँ बहन कर रखा है, देख सकते हैं। इसी से तो पैदल जाओ ना, उससे पहले पहुँच जाएगा तुम अपने मंजिल में। तो कोई नहीं, हम तो बीच रास्ते से जा रहे हैं, ना ट्रैफिक रहता ना कुछ भी, लेकिन उन लोगों पर से ट्रैफिक होना पड़ता है यार, टाइम टू टाइम जाना पड़ता है ना, क्या बताऊँ यार। पलसिया से मुझे ये जो ट्रैफिक है ना ये पार करके जाना पड़ेगा, इतना कड़क धूप लग रहा है यार। कभी फोन उठा के ले जाएगा यार, पूरा टाइटली पकड़ना पड़ेगा, इस
किसी का हाथ ना लगे। कुछ नहीं है, हम असल में ऐसा दोस्त करते हैं। इंदौर और ये जो हमारा नीचे का जो भी है उज्जैन का, उन लोग को छोड़ के बाकी अभी बाकी प्रदेश से जो आएगा ना, सिंपल सी बात है, बस पलसिया आ जाना। पलसिया आके जैसे आप राइट दक्षिण से आएगा तो लेफ्ट, अगर उत्तर से आ रहे तो लेफ्ट राइट मोड़ लेना, बस 56 सामने मिल जाएगा। तो ये चेक करिएगा 56। अभी का व्यू इतना मज़ेदार नहीं होता है, ये रात का जो व्यू है ना वो सबसे अलग होता है। अभी का तो नॉर्मली व्यू है जो लगातार देखते हैं पूरे वाला, तो खास नहीं होता है जो रात में, रात में बहुत खास होता है। शुरू ऊपर से होता है, यहाँ पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 करके, ये से लिखा होता है। यहाँ का फूड बहुत फेमस है, लेकिन खाऊंगा नहीं यार, बीमार हो जाऊंगा। और तो सभी लोग फोटो क्लिक करने के लिए इसी जगह में आता है। जब भी पोस्ट देखो तुम 56 56 56, ये अगर इंदौर में जाने माने एक दुकान है तो बड़ा सी दुकान, तो ये है एक जो 56 दुकान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आना कभी फूड टेस्ट करने के लिए, तो मैं हर बार आता हूँ तो कभी भी, तो उस वहाँ पर है मेरा जहाँ पर मैं वो टेस्ट करता हूँ, क्या बोलते हैं वो बिरयानी यार। नहीं बैठूंगा, गीला गीला हो रहा है, कुछ काम चल रहा है। सब लोग खाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, बस खाते हुए, और हम जैसे कभी ना आएंगे तो सिर्फ घूमते हुए नजर आएगा, बस कहीं खाने के लिए नहीं आता है बस। मगर भैया को विजिट करने के लिए आते हैं ज्यादातर, बैठने के लिए जगह वगैरह बनाए हुआ है, सब लोग खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। दुकान सबसे पसंद आया मुझे, दुकान जो दिख रहा है ना दोस्तों, इस तरफ आ रहा है तो अभी क्लीन आ रहा होगा ना, तो पीछे का दुकान बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों से देखा भी होगा है ना। इस तरह ना तो बैठने का अभी लायक नहीं है वो, बिल्कुल भी बहुत धूप है। आए तो सही, बस स्ट्रीम पे चले जाऊंगी, क्योंकि खाना खा के अभी तो आया मैं, तो क्या खाऊंगा, कुछ नहीं खाया, बस स्ट्रीम करके वीडियो एंड करते हैं। ओके तो मिलते हैं अगली ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, चीयर्स।